गाइस, कल्पतरु अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लटर के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते क्यों है, जब हम एपीआई से डेटा कॉल कराएंगे तब हमें इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम डेटा कॉल करा रहे हैं तभी कोई डेटा नहीं आ रहा है, या फिर डेटा लोड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो गया, या फिर सर्वर बंद है, ऐसे सब सिचुएशन में जब हम एरर थ्रो ये करता है, तो वो जब एरर थ्रो करेगा तो उस एरर को हमें हैंडल करना पड़ता है। वरना जब हम एप्लीकेशन हमारे रन करके कोड, जिसने कोडिंग किया उसको पता होगा कि एरर आ रही है, बट यूजर को नहीं पता है किस टाइप की एरर है, तो हम उस एरर को हम शो कराएंगे। दैट मीन्स मतलब यूजर को भी पता चल जाए कि नहीं, डेटा अभी सर्वर बंद है, तो थोड़े टाइम बाद हम इसको ट्राई करें, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लटर के अंदर एपीआई के थ्रू में जैसे डेटा कॉल कराया था, उस डेटा को स्क्रीन पे कैसे शो कराते हैं, और उसको मैनुअल दूसरे डिफरेंट क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस करा सकते हो, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में भी दे दिए, उधर जाके आप चेक कर लीजिए। तो भी हम सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर करते हैं। तो मैंने आपको बताया एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पज़ क्या है, बिकॉज जो हम डेटा कॉल करा रहे थे तभी हमारे यूआरएल उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर यूआरएल रॉन्ग है, तो उस टाइप में हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कराएंगे तब वो सीधा एरर थ्रो करेगा। तो भी हम उसको देखते हैं। तो इधर से मैं एक हटा देती इसकी यूआरएल अब रॉन्ग कर दे, ठीक है। तो भी हम इसको रन करते हैं। तो भाई एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है। तो भी आप देख सकते हो कि इधर लोडिंग का ही ऑप्शन आ रहा है, कुछ डेटा आ नहीं रहा। तो भी हम इसको रन में जाके इसका चेक करते हैं। तो भी आप देख सकते हो इधर जो हमारा रिसीवर हुआ उसको नॉइज मिल रहा है, दैट मीन्स वो ट्राई कर रहा है डेटा फाइंड करने की बस, बट उसको सारा डेटा नल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इस टाइप के एरर को हमें हैंडल करना पड़ता है, मतलब एरर क्या है उसको समझने के लिए हमें एरर मैसेज थ्रो कराना पड़ता है, मतलब कौन सी एरर है वो सब कुछ एरर थ्रो कराने के हमको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है। तो अभी हम इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक डालेंगे। इधर हम ट्राई ब्लॉक डालेंगे, ट्राई कर्ली ब्रैकेट्स कैच राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट ओवर। इधर हमें एक्सेप्शन पास करना पड़ेगा ई। तो अभी हम इस पूरे कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, इसको हम पूरा ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे। हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर इसलिए डाला बिकॉज जब हमारा डेटा जब हम रन लोड कराएंगे तो सबसे पहले पूरा ए कोड रन होगा, अगर इसमें कुछ भी एरर है तो ये एक्सेप्शन हैंडल करके हमें इधर मिलेगा। तो भी हम इधर डालते हैं डेटा। तो भी हम कैच ब्लॉक के अंदर प्रिंट कराएंगे जो हमने एरर फाइंड हो गई, दैट मीन्स इस कोड में कुछ भी एरर है, तो इस कोड में कुछ भी एरर तो इधर कौन सी एरर है वो हमें ई ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, और वो हम अभी प्रिंट करा रहे हैं इसके अंदर। इधर हम लिखेंगे प्रिंट फाइंड एरर डॉलर ई। ओके, तो भी जो कुछ भी एरर इसके अंदर होगी सारी एरर हमें इधर प्रिंट होके मिल जाएगी। तो भी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके, तो भी हमारे एप्लीकेशन रन होके आ चुके। तो भी आप देख सकते हो कि जैसे हमने एक्सेप्शन हैंडल किया और इधर एक्सेप्शन प्रिंट करा है, तो इधर सीधी हमारी एप्लीकेशन पर एरर थ्रो हो रही है। तो भी इस एरर को यूजर रीड नहीं कर पाएगी, एरर क्या है और यूजर को पता नहीं चलेगा, तो इसी वजह से हमें एक्सेप्शन हैंडल कराना पड़ता है और उसको कोई डमी डेटा हमें प्रिंट कराना पड़ता है। कैसे, दैट मीन्स एरर क्या है वो यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडल कराना पड़ता है। तो भी हम देखते हैं एरर क्या है। तो भी इधर रन में जाके अभी हम चेक कर लेंगे। इधर देख सकते हो फाइंड एरर जो हमने ऑब्जेक्ट इधर पास किया था ई, वो फाइंड एरर तो इधर मिल रहा है, नो सर्च मेथड एरर, क्योंकि उसको पर्टिकुलर एक कोई लिंक नहीं मिली जिस हमने एपीआई इधर कॉल कराई थी, वो एपीआई का जो लिंक था उस लिंक को उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो भी इसको हम पहले प्रॉपर करते हैं, ठीक है। तो भी इधर हम इसको कमेंट में कर लेते अभी। तो अभी इधर हम डालेंगे टाइम। इधर हमने टाइम वेरिएबल इसलिए डिफाइन किया बिकॉज जो हमारा टाइम डेटा है वो इधर हमारा मिल रहा है, तो इधर हमने एक वेरिएबल वो भी डिफाइन किया, तो उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो डेटा एपीआई से कॉल होके आ रहा है, तो इसलिए हमने इधर टाइम रखा। बिकॉज जो हम डेटा कॉल करेंगे तो बाई डिफॉल्ट हमारे अंदर कुछ डेटा नहीं होगा, तो बाई डिफॉल्ट एक कैच ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ स्टेटमेंट हमने डाला होगा सारा स्टेटमेंट वो शो करेगा, तभी वो एरर थ्रो नहीं करेगा। इस वजह से हम इसके अंदर एरर को मेंटेन कर सकते हैं, यूजर को पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर क्या एरर और क्या प्रॉब्लम है। अभी इधर हम डाल देते
server not responds, ठीक है, server not respond, ठीक है, इधर हमने डाल दिया server not respond, तो अभी हम इसको रन कर दें, तो अभी हमारा एप्लीकेशन रन होके आ चुकी थी। आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा टाइम और डेट शो हो रहा है, बिकॉज अभी जो हमारे इधर हमने URL में था उसको वापस रीराइट कर दिया, मतलब जैसा था वैसा URL वापस रख दिया, तो हमारा डेटा पूरा इधर आ रहा है। तो URL को सबसे पहले एडिट कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो भी हमारे एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है, तो भी आपको दिख रहा होगा कि जो हमने जैसे हमने URL में चेंज किया और हमने हमारी एप्लीकेशन रन की, तो उसके अंदर डेटा कुछ नहीं था, तो एक्सेप्शन हैंडल हो करना था। तो जैसे एक्सेप्शन हैंडल हुआ तो इधर आपको एरर मैसेज थ्रो कर रहा है कि सर्वर नॉट रिस्पॉन्ड, अभी सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स अभी एरर थ्रो हुई है। अदरवाइज जो अदरवाइज हमें सीधा हम जब प्रिंट करा रहे थे एरर कौन से, तो सीधे हमें एरर मिलती थी, मतलब तभी उसको कुछ डेटा नहीं मिल रहा, तो कैच ब्लॉक के अंदर कुछ था नहीं, तो उसने सीधा एरर जनरेट कर दिया। तो एक्सेप्शन हैंडल इस तरह से होता है, मतलब कैच ब्लॉक के अंदर आपने कुछ भी नहीं डेटा मिल रहा, तो कैच ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा होगा सारा वो शो करेगा। तो भी उसने वापस रिलोड किया तो वापस उसको डेटा नहीं मिल रहा है, तो जितनी बार वो रिलोड करता जाएगा वो डेटा नहीं उसको मिल रहा है, तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तब तक ये हमें एरर मिलेगी। इस वीडियो में हमने कवर किया कि फ्लटर के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्लटर के अंदर राउट के थ्रू डेटा कैसे पास करा सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो कोई भी कंफ्यूजन हो, एरे मेरी मेल आईडी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर एरे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कल्पतरु एकेडमी, उस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो कि आप ज्वाइन हो, बिकॉज हर रोज की अपडेट आप उस ग्रुप पर मिलती रहेगी, और इस कोड की टेक्स्ट फाइल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, उधर जाके आप उसको ले सकते हैं। और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलो, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।